हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं अंकुश जी, पूरी स्टडी बजर दे टीम वालों तुहाडा इस ऑफिशियल चैनल दे उपर स्वागत करता हाँ। सो जी, वीडियो नू देरी हो गई है, उस दे लई मैं माफ़ी चाहता हाँ, पर सियाने कहिंदे है जी, देर आए दुरुस्त आए। सो साडी स्टडी बजर दी टीम काफ़ी समय तो तुहाडे लई एक नवी जो है नीति तैयार कर रही सी, ते पिछले काफ़ी समय तो असी सोच भी रहे सी, क्योंकि लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर असी तैयारी करना चाहते हाँ, सानू रस्ता दिखाया जाए, साढ़े को नोट्स नहीं हैं, साढ़े को मटीरियल नहीं है, साढ़े को समा है, पर असी पढ़ना चाहते हाँ पर सानू कोई राह नहीं नज़र आ रही। तो उन्होंने स्टडी बजर की टीम लैके आई है जी एक बहुत शानदार ऑफर। मैं उम्मीद करता हाँ तुहानू सारयां ही ऑफर पसंद आएगा। ऑफर इस तरह है कि असी देन जा रहे हाँ जी, जिहड़े बच्चे पी एस टेट की तैयारी कर जा रहे हैं उन्होंने पी डी एफ की फॉर्म के एक ग्रुप बनेगा जस्ट 1499 दे विच। हाँ जी, बिल्कुल सही सुनिया तुसी, जस्ट 1499 1499 रुपए दे विच तुहानू मिलेगा पूरा मटीरियल, एग्जाम की पूरी तैयारी तुहाडी वधिया, उसनू चार चंद लाउण दे लई साडी जो पूरी स्टडी बजर की टीम है पिछले काफ़ी समय तो मेहनत कर रही है। ये कोई एक या दो बंदे दा इस विच कह लो कि रोल नहीं है, पूरी टीम है जी, इस दे पिछे टैक्निकल टीम है जो समय समय से सुधार करती आई है, तो असी कुछ इस बार नवा करन दी सोची है। सो काफ़ी बच्चे जो हैं जगदीप सर नू उसकी डिमांड कर रहे थे कि उन्होंने जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतारा जाए, पर तुसी आप ही जानते हो कि उन्होंने जो है गवर्नमेंट जॉब होने करके वो कुछ नियमों के नाल बन्ने हुए ने, पर उन्होंने जो भी कार्रवाई होएगी उन्हां दी देख रेख दे अंदर ही होएगी, ठीक है। सारे जो साड़ी टीम है उन्हां दी अगवाई दे हेठ ही काम कर रही है। सो तैयारी नू लैके तुसी कोई भी जो है निराशा नहीं होएगी, तुहानू निराशा होण भी नहीं देंगे, तुसी साडा साथ बनाए रखियो। पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन है तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच दित्ती हुई है, अगर कोई क्वायरी है तुसी साडे नाल व्हाट्सएप ते गल कर सकते हो, नंबर तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच मेंशन कर दिता जाएगा, उत्थे तुसी संपर्क करके सीधे तौर पर भी साडे नाल गल कर सकते हो, ठीक है। तुहानू कोई भी क्वायरी होवे, कोई हैजिटेशन की लोड़ नहीं। अगर नोट्स की गल आए, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सानू नोट्स चाहिए ने, रिटन नोट्स चाहिए ने, तो राजे वो साडी जिम्मेवारी है, बिल्कुल एक वाजिब दाम है जी। इस पिछे मेहनत लगी है, कोई एक साल की दो साल की मेहनत नहीं होंगी जी, ये काफ़ी सालों की मेहनत होंगी है, डाटा एनालाइज करके तुहाडे तक सही पहुँचाया जाए, यही साडा मकसद है। तो स्टडी बजर हमेशा तो ही देखती आई है, तो तुहाडे नाल वादा करती है कि अंधविश्वास तो दूर रहो, ईटीटी कैडर वाले जिहड़े डिमांड कर रहे हैं बच्चे, सिलेबस की वेट करो, वैसे तुहाडा काफ़ी जो मटीरियल है ऑलरेडी टाइप हो चुका है, ऑलरेडी पूरा लिखा जा चुका है, बस सिलेबस की वेट की जा रही है। तुहानू भी एक स्पैसिफिक पूरा एक अच्छे तौर पर एक अच्छे लैवल पर तुहानू नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी प्लैनिंग साड़ी जारी है, जिवें ही ऑफिशियल कोई इनफॉर्मेशन आती है सिलेबस के रिलेटिड तो उस अकॉर्डिंग अगे कार्रवाई होएगी, ठीक है। वरना पी एस टैट के जोड़े बच्चे हैं पी एस टैट की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि घरें बैठ के असी एक वधिया लैवल की तैयारी कर सकी, तो जस्ट तुहानू मैं दस रहा 1499 दे विच तुहानू एक वाजिब दाम ते एक वधिया तैयार किए नोट्स, न जाने किन्ने ही टीचर्स का अनुभव है जी उन्हां दे विच, ठीक है। बाकी वादा असी करते हाँ कि इस तो बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर तुसी इन्हां नोट्स नू अच्छे लैवल ते कर लेंदे हो तो असी गरंटी देंदे हाँ कि एग्जाम इस तो बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। वरना रिकॉर्ड तुसी चैक कर सकते हो, लास्ट 6635 दे विच 80-85 स्टूडेंट्स सी साडे कोल, एक ही बैच चलाया सी, तो उस 50+ स्टूडेंट्स के नंबर आ चुके हैं, तो जॉइनिंग भी लै चुके हैं, ठीक है जी। सो यही रिकॉर्ड ही बोलते हैं जी, ये तुहाडा ही प्यार ही सी, ठीक है, जिन्होंने सानू इस काबिल बनाया। सो इस तरह ही मैं उम्मीद करता हाँ तुसी प्यार साडे नाल बनाई रखोगे, तो जिहड़े बच्चे इस चैनल पर नवे जुड़े है जी वो इस चैनल को सबसक्राइब करना ना भुलना, ठीक है। तो इस दे नाल ही हुण मैं वादा करता हाँ कि पंजाबी दे लैक्चर जो अपने ऑलरेडी आई थिंक 3-4 लैक्चर अपने अपलोड हो चुके हैं, सो जिन्हें बच्चों ने लैक्चर नहीं देखे लैक्चर जरूर अटैम्प्ट करना, तो बाकी वादा मैं करता हाँ कि हुण वीडियो कंटीन्यूसली जो है आउंदी रहेगी, तुहाडे यूट्यूब ते फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुसी MCQs लगाओ, नोट्स पढ़ो ते तुसी MCQs लगाओ, बस होर तुहानू होर कुछ करन दी लोड़ नहीं, MCQs जिन्ने लगा सकते हो नोट्स तो तैयारी करते जाओ, तो MCQs लगाते जाओ, नाल नाल तुहाडी प्रैक्टिस भी होंदी जाएगी। सो इस दे नाल ही आपां बहुता समा जाया ना करते हुए अज की जो अपनी MCQ सीरीज़ है उसका विषय है साहित्य।
पंजाबी साहित लिटरेचर। सो फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है जी, किस कवि नूं पंजाबी दा वर्ड्सवर्थ कहा जाता है? प्रोफेसर पूर्ण सिंह नूं, मोहन सिंह नूं, धनी राम चात्रिक जी नूं या भाई वीर सिंह जी नूं? बहुत ही मशहूर ये लिखारी होए ने चारों जी। सो सब नूं कोई ना कोई टाइटल मिलिया है जी। आपां सारे जानते हाँ किसी नूं अरशां दा कवि कहा, किसी नूं फरशां दा, किसी नूं दोहां अरशां और फरशां दा कवि कहा गया है। कोई प्रगतिवादी सी, कोई प्रगीतक सी। सो ये टाइटल्स मिले हुए ने। इत्थे किहड़े टाइटल की गल की है? वर्ड्सवर्थ की। किस कवि नूं वर्ड्सवर्थ कहा जाता है जी? तो इसका राइट आंसर है भाई वीर सिंह। भाई वीर सिंह जी नूं वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। इस तो इलावा इन्हां नूं औरतां दा कवि भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारिया रचनावां जो ने औरतां ते फीमेल्स ते विमेन्स ते सी। ठीक है जी। सो नैक्सट करते हाँ, सैकेंड क्वेश्चन की कह रहा है? आत्मा दा कवि पंजाबी दे किस कवि नूं कहा गया है? आत्मा दा कवि, ठीक है जी। सो एक होर टाइटल दी गल होई है, आत्मा दा कवि की बाबा बलवंत जी नूं कहा है, पूर्ण सिंह नूं, मोहन सिंह नूं या भाई वीर सिंह नूं? तां इसका राइट आंसर है जी प्रोफेसर पूरन सिंह। बहुत ही एक मशहूर राइटर होए ने। अगर गल करो भी किहड़े इहो जिहे राइटर सी जिन्हां ने फस्ट टाइम खुले काव्य रूप का निर्माण किया, वह भी अपने प्रोफेसर पूरन सिंह सी। ठीक है जी। सो नैक्सट लैक्चर अपना साहित्य ही मैं तुहानू कहा सी भी अपना साहित्य ही डिपेंड होएगा, क्योंकि लास्ट भी मैं देखा सी बच्चों का अच्छा रिस्पोंस सी, डिमांड की सी। सो उसे डिमांड से अपना साहित्य थर्ड क्वेश्चन की है जी, भाई वीर सिंह किस काव्यधारा के कवि सन? किहो जे कवि सी भाई वीर सिंह? तुहानू मैं हुणे दस्या सी औरतों का कवि भी कहा गया, उन्होंने वर्ड्सवर्थ भी कहा गया। सो एक ही रोमांटिक सी, रहस्यवादी सी, यथार्थवादी सी या प्रगतिवादी सी? किहो जे कवि सी? तो जी इसका राइट आंसर रहेगा रहस्यवादी। ठीक है, वह एक किहड़े सी? रहस्यवादी कवि सी। चलो नैक्सट क्वेश्चन की कहिंदा जी, फोर्थ, राजा लखदाता सिंह नाटक है, एक नाटक है जी राजा लखदाता सिंह, एक किंदे द्वारा लिखा गया? ठीक है जी, ये जो नाटक है कि ये नानक सिंह द्वारा लिखा है, कृपा सागर का लिखा है, भाई वीर सिंह का लिखा है या हरिंदर सिंह रूप का है? हाँ जी, फोर्थ का आंसर जो राइट रहेगा जी बिल्कुल अगेन अपने बड़े ही मशहूर भाई वीर सिंह जी। ठीक है। सो इन्ना तुहानू जो है साहित्य दे विच मोस्ट ऑफ बचो तुसीं की याद करना है कि राइटर्स कौन से, मेन मेन राइटर्स कर लो, जिमें भाई वीर सिंह, नानक सिंह, प्रोफेसर पूर्ण सिंह, शिव कुमार बटालवी। सो यहो जे कुछ मशहूर जो राइटर्स ने उन्होंने जरूर पढ़ के जायो। ठीक है, इस तरह का ही बिल्कुल वैल डिफाइंड तुहानू नोट्स मिलनगे। ठीक है जी, कोई परवाह नहीं करनी तुसी, वो साड़ी जिम्मेवारी है। सो गिद्दड़ मारन चले हाँ, शेर का समान लैके चलांगे आपां। ठीक है, अगर पेपर टफ भी आया तो अपने करवाए चो बाहर नहीं आएगा। चलो यही धारणा लैके आपां फिफ्थ क्वेश्चन करते हाँ, नानक सिंह नूं भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया? एक भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार होंदा है जी, एक कदों मिलिया? कि एक म्यान दो तलवारां, इस लिखावट लई मिलिया नानक सिंह नूं, या चिट्टा लहू करके बड़ी मशहूर हुई सी जी इन्हां दी चिट्टा लहू? ठीक है, मतरेई मां करके या पवित्र पापी करके? चारों ही रचनावां बहुत पॉपूलर सी, बहुत पॉपूलर सी। सो इसका राइट आंसर आन दौ, आई थिंक तुसी बिल्कुल सही चोण कर ली होगी मैं उम्मीद करता हाँ। बच्चे बहुत होशियार है जी जिहड़े भी तैयारी कर रहे हैं ETT कैडर की। सो अपना इस सिलेबस का जो ये पाठ है इसनों जरूर जो है ध्यान नाल कर लियो, क्योंकि बहुत अगर मैं 23-64 की गल करा तो राजे उस विच सीधा 4-5 क्वेश्चन साहित्य दे विचों पूछे गए सी। सीधे तौर पर पहले 4 क्वेश्चन जो ने लगातार राइटर्स के नेम ही पूछे गए सी। सो आपां इसनों मिस नहीं करना, लाइटली नहीं लेना। ठीक है, जिन्नी हो सकती MCQ सीरीज लगाओ, वो साड़ी जिम्मेवारी है। बस तुसीं प्यार दिखाउणा है, वीडियो नूं लाइक करना है, शेयर करना है ते सबसक्राइब करना है। ठीक है, बाकी साड़ी जिम्मेवारी है तुहानूं एक वधिया कंटेंट लिया के तुहानूं प्रोवाइड करन दी, तुहाडी तैयारी दी जिम्मेवारी दी। ठीक है जी। सो नैक्सट इसका आंसर आप कर लेंगे हाँ, फिफ्थ का राइट आंसर है जी एक म्यान दो तलवारां, इस दे लई इन्हां नूं मिलिया सी साहित्य अकैदमी पुरस्कार। ठीक है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हाँ, अपने तो की डिमांड कर रहा है कि पंजाबी बुलबुल का लोक सम्मान किसनों मिले? टाइटल बुलबुल का, पंजाब की बुलबुल का, कि हीरा सिंह दर्द नूं या नंद लाल नूरपुरी जी नूं, फिरोजदीन शरफ नूं या धनी राम चात्रिक? हाँ जी, की होएगा इसका राइट आंसर जल्दी जो है, आई थिंक सारे बच्चों ने टिक कर लिया होएगा। सो इसका राइट आंसर है जी फिरोजदीन शरफ, सी ऑप्शन
फिरोजदीन शरफ इसका राइट आंसर है। पंजाबी बुलबुल का लोग सम्मान मिलया सी इन्हां नूं, ठीक है, मान बख्शिया गया सी। सैवंथ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है जी, आई थिंक कोई शायद ही बच्चा होएगा जो इस वीडियो नूं देख रहा है तो वह इस शख्स नूं ना जानता होवे, शिव कुमार नूं, शिव कुमार बटालवी। हाँ जी, गाने तो सारे ही सुनते ने। सो रीसेंटली गाना आया सी थब्बा कुछ जुल्फां वालिया, वो अर्जन ढिल्लो का नहीं सी, ठीक है, वो शिव कुमार बटालवी का सी। सो इन्होंने की पूछा, उन्होंने अनुसार लूणा का काव्य रूप है, इन्होंने एक लूणा काव्य रूप लिखा सी, कि ये महाकाव्य सी, काव्य नाटक सी, एक किस्सा सी या गीत नाट सी, की सी उन्हों का शिव कुमार जी का लूणा। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी इसका उत्तर दो। सो राइट आंसर मैं इसका दसन जा रहा हाँ, राइट आंसर है जी काव्य नाटक, काव्य नाटक सी, ठीक है, एक अजिहा काव्य सी, इहो जी कविता सी जिसनू किस दे रूप च दिखाया गया, नाटक दे रूप दे विच। हाँ जी, एट्थ क्वेश्चन की पूछ रहे अपने तो, बहुत सोहना क्वेश्चन है जी, ध्यान नाल मार्क कर लो इसनू, तारे हैशटैग एट द रेट लगा के इसनू अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन की पूछ रहा है, ज्ञान पीठ अवार्ड, ये अवार्ड सौखा नहीं मिलता, ये एवं नहीं मिल जाता। ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला नावलकार कौन है, कौन सी पहला नावलकार, तो बच्चे अक्सर लगा देंगे नानक सिंह, वह नहीं सी, इन्होंने पूछा जिन्होंने ज्ञान पीठ पुरस्कार मिलया सी, अमृता प्रीतम की गुरदयाल सिंह सी या भाई वीर सिंह सी। हाँ जी, जल्दी इसका आंसर आंदे हो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसनों मार्क जरूर कर लियो। तो इसका राइट आंसर है, पूछा इन्होंने पहला मैं दस दिना, पहला है जी अमृता प्रीतम, 1982 की गल है, 1982 इन्हों पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले है। तो मैं तुहानू ये भी दसना चाहना, पूरे भारत में सिर्फ 60 बंदियां ये मिला है, सिर्फ 60 बंदियां नूं, सोचण वाली गल है, करोड़ों की आबादी है, सिर्फ 60 बंदियां नूं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना, उन्हां विच्चों भी बड़े माण वाली गल है कि विच्चों दो पुरस्कार अपने पंजाब विच आए ने, दो बंदे सी जिन्हां नूं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलिया, एक कौन सी अमृता प्रीतम ते एक राइटर होर सी, उम्मीद करता हाँ तुहानू उसका जवाब पता होगा। इसका जवाब मैं कमेंट सैक्शन के विच तुहाडे तो लेना चाहांगा कि दूसरा परसन कौन सी, दूसरा परसन कौन सी। अच्छा, कमेंट सैक्शन तुहाडा जी हर वेले खुला है, तुहाडे कमेंट्स सारे साडी टीम वालों देखे जाते हैं, उन्होंने बेस से ही असं अगे फैसले लेंदे हाँ। सो कमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए, कमेंट के लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए वीडियो के, ठीक है जी, यह साडा एक मोटीवेशन का सोर्स होंगे, तुहाडे कमेंट्स तुहाडे लाइक्स, सो इस विच कमी ना हो। जिहड़े भी बच्चे इस वीडियो नूं पूरा देख रहे हैं वो मैनू इस क्वेश्चन का आंसर दिओ कि पहले तो अमृता प्रीतम सी, दूसरे वह व्यक्ति किहड़े सी जिन्हां नूं इह ज्ञान पेट पुरस्कार मिले है, तो उसका ईयर भी मैनशन कर दो। आप क्वेश्चन अगे कर रहे हाँ, नाइन्थ गुरदयाल सिंह पद्म श्री पुरस्कार कदों प्राप्त होया, इन्हों का की पूछा गया है कि गुरदयाल सिंह जी ने पद्म श्री ए वाला जो अवार्ड होंगे पद्म श्री पुरस्कार ये कदों मिले है, कि 1998 1898 1995 या 1895 के, चार ईयर तुहाडी स्क्रीन के सामने हैं। सो जल्दी ही इस स्लाइड का आंसर दिओ, किहड़े ईयर दे विच पद्म श्री पुरस्कार गुरदयाल सिंह जी नूं दिता गया सी। हाँ जी, चार ईयरस ते राइट आंसर है जी बिल्कुल, जिहड़े बच्चों ने टिक किया है 1998 उन्हां दा बिल्कुल सही उत्तर है, 100% सही हैं। सो नैक्सट आपां इस स्लाइड ते चलते हाँ, की पूछ रही है, गुरदयाल सिंह नूं अपनी किस रचना लई ज्ञानपीठ पुरस्कार, लो जी क्वेश्चन दे विच ही क्वेश्चन छुपया सी, हुणे मैं पूछा सी ज्ञान पीठ जो है पीठ अवार्ड सैकेंड परसन किसनों मिलया सी। सो स्क्रीन ते तुहाडे आंसर सामने है, अगर किसी बच्चे ने कमेंट दे विच आंसर दे चुके हैं सो लाजवाब है जी, उन्हां दा आंसर दा मान करते हाँ। सो इन्होंने पूछा की है, केड़ी रचना करके मिलया सी, केड़ी रचना करके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलया सी, अजे भी एक चीज़ जो है मिसिंग है, वह है ईयर, किस ईयर विच मिलया सी, सैकेंड परसन कौन सी गुरदयाल सिंह, पहले कौन सी अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम अपने कौन सी पहले परसन सी जिन्हां नूं 1982 दे विच ज्ञानपीठ अवार्ड मिलया सी, इन्हां दा केड़ा ईयर सी, क्वेश्चन अजे भी मिसिंग है, मैनू कमेंट दे विच ये भी दस्यो भी केड़े साल गुरदयाल सिंह नूं
ज्ञानपीठ अवार्ड मिलिया सी। आपां क्वेश्चन अगे देखते हाँ भी की पूछ रहा है भी कि मड़ी दे दीवे लई मिलिया सी, अन्ने कोड़े दा दान जो है लेखक अपनी लिखत सी उस करके मिलिया है, कुवेला लिखत करके मिलिया सी जां पऊ फुटाले तो पहला। ये आपां आई थिंक तुसी सारे ने 11th 12th जिन्होंने पंजाबी सी उन्होंने पढ़िया होएगा पऊ फुटाले तो पहला, बहुत सोहनी लिखत सी। उस विच दो लाइना मैं बोलना चाहांगा, कहिंदे सी कि बात की क्या बात है, बात तो बिन बनाए बन जाती है। सो इहो जिहां बड़ियां ही खूबसूरत लाइना इन्हां विच मैनशन सी, उम्मीद करदा हाँ तुसीं सारयां ने पढ़िया होएगा। सो इसका राइट आंसर जान लेंदे हाँ, बिल्कुल जी मड़ी दा दीवा। किस करके इन्हां नूं ज्ञानपीठ अवार्ड मिलिया सी? मड़ी दा दीवा करके मिलिया सी। हाँ जी, 11th क्वेश्चन देख लिए, मैनू कमेंट विच ईयर दसना ना भुलना किहड़े साल विच ज्ञानपीठ अवार्ड मिलिया सी गुरदयाल सिंह जी नूं। सो प्रोफेसर पूर्ण सिंह द्वारा प्रकाशित खुली कविता दी पहली पुस्तक। क्वेश्चन नूं मैं हमेशा बच्चे नूं एडवाइस करदा सुजेस्ट करदा हाँ कि तुहाडे कोल एक मिनट है हर एक क्वेश्चन दे लई, तुहाडा काम की है घट्टो घट 15 सैकेंड देने ने क्वेश्चन नूं। तुसीं क्वेश्चन नूं समझना है, पढ़ना है, फिर चारे ऑप्शन्स रीड करनिया ने, फिर उत्तर लगाना है। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नाल हमेशा नुकसान हुंदा है। सो इन्हां ने की कहा है, प्रोफेसर पूर्ण सिंह द्वारा प्रकाशित खुली कविता, इन्होंने की कहा प्रकाशित, ध्यान रखियो प्रकाशित दे विच लिखित दे विच फर्क है, ठीक है। एक पहली लिखी केड़ी वो अलग गल हुंदी है, पहली प्रकाशित केड़ी हुई वो अलग गल है। सो प्रकाशित खुली कविता दी पहली पुस्तक केड़ी सी? खुले कुंड, खुले आसमानी रंग, खुले मैदान, पूर्ण नाथ जोगी। सो चारे ऑप्शन तुहाडे सामने ने, आई थिंक हुण तक आंसर बच्चों ने चूज कर लिया होएगा। इसका राइट आंसर है जी खुले मैदान, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट है जी इसकी, ठीक है। चलो हाँ जी, अगे क्वेश्चन देख लिए 12th। प्रोफेसर पूर्ण सिंह द्वारा लिखी हुई पहली पंजाबी खुली कविता केड़ी है? प्रोफेसर पूर्ण सिंह द्वारा लिखी हुई, देखो फिर देखो आ गई वही गल मैं हुणे दस्या सी कि प्रकाशित ते लिखित दे विच फर्क है। मैं हुणे कहा सी, क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, प्रोफेसर पूर्ण सिंह द्वारा लिखी हुई पहली पंजाबी खुली कविता पहला की सी? प्रकाशित खुली कविता। हुण है पहली लिखी हुई खुली कविता पूर्णनाथ जोगी, फिर क्वेश्चन आ गया खुले मैदान, लास्ट यही राइट आंसर सी। सो इसनों तो आप कट देंगे क्योंकि ये तो पहली प्रकाशित सी। सो खुले कुंड थोड़ा दूर दूर लिखा गया, कोई गल नहीं, खुले आसमानी रंग। सो इसका राइट आंसर की है जी? पूर्णनाथ जोगी, ए पूर्णनाथ जोगी, ए ओ वाली कविता सी जिहड़ी पहली खुली लिखी गई सी, ठीक है, लिखी हुई। ध्यान रखियो क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पढ़ के लगायो ध्यान नाल। 13th क्वेश्चन की कहिंदा है जी? प्रोफेसर पूर्ण सिंह नूं खुली कविता लिखण दी प्रेरणा कित्थों मिली? प्रेरणा यानी वह केड़ा परसन सी जिन्हां तों प्रभावित होके ये पहले परसन बने जिन्हां ने कविता नूं छंद मुक्त लिखिया? ये पहले परसन सी, वरना पुराने समय की मैं गल करा ना, पुराने समय की ते भावें मध्यकाल समय की, प्राचीन ते मध्यकाल विच की सोचा जांदा सी? प्राचीन ते मध्यकाल, प्राचीन केड़ा सी? बाबा फरीद जी का। मध्यकाल केड़ा सी? जिस विच अपने गुरु आए। उस समय दे विच छंद तो बिना कविता लिखनी एक कल्पना सी, इमेजिनेशन तो भी बाहर दी सी। लोग या लिखारी ये सोचते सी कि छंद तो बिना तो लिखी नहीं जा सकती कविता, इन्हां ने लिख के दिखाई। आधुनिक कवि बने, पहले इहो जे कवि बने जिन्हां ने छंद तो बिना कवितावां रच के दिखाइया। ते प्रभावित किस तो होए सी? वर्ड्सवर्थ तो, जॉन कीट्स तो, शैले तो, या वाल्ट विटमैन तो? कि किन्ना तो ये प्रभावित होकर इन्होंने खुली कवितावां लिखनिया शुरू कीतियां। सो जी इसका बचो राइट आंसर जो बनता है जल्दी ही उसका उत्तर दे दो, फिर मैं जो है इसका सही उत्तर दसन जा रहा। सो राइट आंसर है जी इसका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है जी वाल्ट विटमैन। इन्हों की लिखावट तो, इन रचनावां पढ़ के इन्हों खुले काव्य लिखण का एक मोटिवेशन मिली, ठीक है। तो तुसी भी सानू मोटिवेशन करते रहो। सानू किवें मोटिवेशन कर सकते हो? वीडियो नू लाइक करके, वीडियो नू सबसक्राइब करके, कमेंट करके,
ठीक है। ये छोटिया छोटिया चीजा ने जो सानू मोटिवेशन दिंदिया ने, सानू हर बार कुछ नवा कर गुजरन दी वो शक्ति दिंदिया ने, वो सोच दिंदी है। सो इस विच कमी नहीं आनी चाहिए। तुहाडे तो कोई ज़्यादा वड्डी डिमांड नहीं कर रहे, छोटी जी डिमांड है, तो सो प्लीज़ इसनू पूरी कर दिओ। आपां अगे क्वेश्चन देख लैंदे हाँ। पंजाबी साहित्य विच प्रगीतक कविता, लो एक होर टाइटल आ गया है प्रगीतक। प्रगीतक कविता दे मोढ़ी किसनू मन्या गया है जी? प्रगीतक कविता दे मोढ़ी एक राइटर होए ने जिन्होंने प्रगीतक कवि कहा गया है। कि वह शेख फरीद जी सी, कि वह प्रोफेसर पूर्ण सिंह सी, या भाई वीर सिंह जी सी, या प्रोफेसर मोहन सिंह सी। हाँ जी, जल्दी इसका उत्तर आन दो कि प्रगीतक। एक ध्यान रखियो प्रगीतक हुंदा की है। काफ़ी बच्चों नूं ये टाइटल का पता लग गया प्रगीतक, पर इसका मीनिंग नहीं पता लग्या कि प्रगीतक का अर्थ की हुंदा है। अर्थ तो जी अर्थ सुन लियो, जेड़े निजी भावां नूं प्रगट करे, यानी हड बीती अपने नाल जो उसदियां अपनी परसनल फीलिंग्स ने उन्हां नूं कवितावां दे विच परोए, वह हुंदा है प्रगीतक कवि। ठीक है, तो किहो किहड़े इहो जे राइटर सी जिन्हां नूं प्रगीतक कविता दे मोढ़ी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जी भाई वीर सिंह। भाई वीर सिंह, बहुते बच्चे पेपर च की लगांदे आ प्रोफेसर मोहन सिंह, वह प्रगतिवादी है। वह की है? वह है जी प्रगतिवादी। प्रगतिवादी, ध्यान रखियो बच्चे बहुत कन्फ्यूज होंदे है। ये प्रगतिवादी सी प्रोफेसर मोहन सिंह, भाई वीर सिंह की सी प्रगीतक सी। उम्मीद है तुहानू मेरा कंसैप्ट समझ आ गया होगा। सो लास्ट क्वेश्चन है अज अपना राजे, करतार सिंह दुग्गल की किस रचना नू साहित्य अकैदमी पुरस्कार प्राप्त होया? सो एक होर अवार्ड की इन्होंने चीज़ पूछी है कि जिहड़े करतार सिंह दुग्गल की वो कि रचना सी जिसनों कि इनाम मिलया सी, किहड़ा इनाम मिलया सी साहित्य अकैदमी पुरस्कार? कि वह सवेर सागर लिखत सी, करामात सी, एक छिट चानण दी सी, या बंद दरवाजे? केड़ी लिखत सी जिसनों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया? मिलिया सी जी 1965 दे विच। मैं ये भी दस दिना ईयर भी मैंशन कर रहा, 1965 दे विच अवार्ड मिलिया सी साहित्य अकादमी पुरस्कार अपने करतार सिंह दुग्गल जी नूं। किस करके? एक छिट चानण दी करके। एक छिट चानण दी करके। लो जी, इस दे नाल ही अपने वीडियो दा समा हुंदा इत्थे ही समाप्त। ते मैं एक बार फिर तुहानू दसना चाहुंना भी स्टडी बजर दी टीम तुहानू इस बार वधिया लैवल ते नोट्स प्रोवाइड कर रही है। सो जिन्ने बच्चे पीएस टेट दी तैयारी कर रहे ने वो इसका लाभ उठा लो। जस्ट 1499 दे विच तुहानू ये नोट्स प्रोवाइड होणगे। नोट्स तुहाडे बिल्कुल रेडी हन। ते जिहड़े बच्चे भी इन्हां दा फायदा उठाना चाहुंदे ने, हेठ लिखे डिस्क्रिप्शन ते जाओ, साढ़े नाल संपर्क बनाओ। तुहाडी सल्यूशन जो है, तुहाडी क्वायरी जो है, सीधे तौर पर हल की जाएगी। ते मैं लैंदा हाँ जी विदा, मिलदा हाँ इवें दे होर प्यारे प्यारे MCQs दे नाल एक होर नवी क्लास दे विच। उम्मीद है तुहानू अज दा लैक्चर भी पसंद आया होगा। तो वीडियो नू लाइक करना ते सबसक्राइब करना ना भुल्यो। तो नैक्सट वीडियो तक मिलते हैं जी। तद तक लई धन्नवाद, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, ख्याल रखना जी अपना।